टाइम न्यूज की ओर से समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 8 लाख के लोन की किश्त भरने के लिए बैंक द्वारा पिता की मौत के बाद उसका बेटे पर दबाव बनाया जा रहा है। इस तनाव में आकर युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बैंक द्वारा प्रदान न करने के दबाव में फांसी लगाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लोन बना मौत का कारण, पिता ने लिया था लोन। पिता की मौत के बाद बेटे पर लोन की किश्त भरने का दबाव बनाया जा रहा था। पिता की पेंशन भी रोक ली थी बैंक ने। आर्थिक तंगी और बैंक वालों की प्रताड़ना से तंग आकर बेटे ने फांसी लगाई। परिजनों ने लगाया बैंक वालों पर आरोप। जी हां, इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र के केलौद हाला में रहने वाले राज चौहान ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने 8 लाख का लोन बैंक से ले रखा था। पिता की मौत होने के बाद बैंक द्वारा रिकवरी करने के लिए मृतक के बेटे राज पर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं मृतक पिता की जो पेंशन आती थी उसको भी बैंक द्वारा रिकवरी करने के बहाने रोक लिया था, जिसके कारण घर के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे और तनाव में आकर राज चौहान ने फांसी लगा ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि बैंक द्वारा दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर राज ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जाँच में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले भी इंदौर में एक पूरे परिवार ने लोन ना भर पाने की वजह से सुसाइड कर लिया था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले की किस प्रकार कार्रवाई करती है। आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा विनोद थनवा है। क्या जानकारी मिली थी, क्या हुआ तो विस्तार से बताइए आप। तो बता दी, बार बार क्या पूछोगे यार, बार बार ये संतुलन तो है नहीं दिमाग। क्या नाम पते है? SBI बैंक बताया ना, KB कंपाउंड में। कितने लोन ले रखा था? मेरे जीजा है वो मुन्नालाल जी चौहान, ये उनका लड़का था राज चौहान। तो उस कर्जे के लिए कई बार मेरे से बोला कि मामा बहुत परेशान कर रहा है यार ये बैंक वाले, जितना पैसा सर्विस का पापा का आता रिटायरमेंट का वो सब काट लेती है, पैसे ही नहीं देती हो। जब भी जाते निकलाने कहीं होल्ड पर रख देती कहीं क्या, और माँ जाते तो बैंक भी कहती है कि भली मारो कुछ भी करो पैसा देना। ठीक है, मतलब बैंक से ही पड़तालित थे। कर्जा कितना था, लोन कितना ले रखा था? 8 लाख का। अच्छा, घर वालों को नहीं मालूम है कि उनके पिताजी ने लोन लिया, पर्सनल लिया या कोई सा लिया, ये उनको नहीं, बच्चे के साइन भी नहीं है उसमें। पिता की मौत हो गई? पिता की मौत हो गई, उसके बाद ही तो पड़तालित कर रहा है। उनको 2-1 साल हो गया है। क्या करते थे पिता ये? पिता ही नगर निगम में। बच्चा क्या करता है? बच्चा कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं है उसकी। क्या नाम था बच्चे का? राज चौहान। हाल फिलहाल में कोई बैंक वाले आए थे, कुछ बातचीत की? कुछ बैंक वाले आए थे, वो बार बार जब भी पैसा आता नगर निगम से उनके पिताजी का, तो वो रोक लेते हैं कि नहीं ये पहला पैसा कटेगा। बहन की पेंशन भी 7-8 महीने से रुकी पड़ी हुई, वो भी नहीं दे रहे, सब वो रोक लेते बार बार। तो अब खाएगा क्या उस चक्कर में, भूखे मारेगा आदमी तो क्या करेगा। उन्होंने सुसाइड कर लिया। नोट में क्या लिखा है? नोट वोट नहीं मिला। सुसाइड। आपका नाम? मेरा विनोद थनवा। मैं मामा हूँ उसका। राज पिता शंकर चौहान, उम्र 35 साल, निवासी केलोधाला लसोड़िया इंदौर का है, जिसने अपने घर में रात को घर वालों बताया कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, तो टॉयलेट के बहाने अपने घर के अंदर जाकर एंगल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। शायद मजदूरी करता है। वजह तो कुछ भी कुछ सामने आई नहीं है, जाँच जा रही है उसमें भी। शादी वादी पे परेशानी? नहीं, बच्चे वाले हैं, बच्चे जो है वो शादीशुदा है। वो तो घर में, घर के अंदर ही लगाई है। अभी आती है, इसमें कुछ नहीं आया अभी। अभी परिवारजन ने सब कुछ बता नहीं पाया उनको, कुछ हो जाए नहीं मिला अभी तक। SI अनिल सिलावट, थाना लसोड़िया, इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।